और जिस फ्लैट का आज आपको हम विजिट करवा रहे हैं उस फ्लैट में आपको मिलते हैं 3 बेड ड्राइंग रूम हॉल रूम। ये फ्लैट कम्प्लीटली रेनोवेट किया गया है और रेनोवेशन के अंदर मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि बेस से लेकर 100 तक हर चीज़ कम्प्लीटली इसकी रेनोवेट हुई है, जिसके अंदर तमाम तर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और अंदर कंसीडर इलेक्ट्रिक वायरिंग और एज इट इज प्लम्बर का जो तमाम सामान है वो तमाम ही सामान जो है वो रेनोवेट किया गया और ब्रांड न्यू डाला गया। तो इस फ्लैट की 2 एंट्रेंस हैं, एक बाहर की तरफ से है और एक फ्लैट के अंदर की तरफ से है। फ्लैट के अंदर वाली जो एंट्रेंस है वो आपको हम दिखाते हैं, वो डायरेक्ट बेडरूम में एंट्री होती है और जो बाहर की तरफ से है वो बेडरूम में एंट्री होती है। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि ये फ्लैट जो है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लोकेशन है इसकी, और ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा रेंट भी दी गई है और कवर्ड कार पार्किंग भी दी गई है। तो बिना किसी देरी के हम अपना रिव्यू शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ड्राइव। जी तो आइए, ये हमारी फ्लैट की अंदर वाली एंट्रेंस है। जैसे ही यहाँ से आप अंदर आते हैं तो आपको वेलकम करती है हमारी एलसीडी वॉल, और एलसीडी वॉल के साथ साथ हमारे पास ये वेंटिलेशन के लिए खिड़की मौजूद है। यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास लैंप लगाने के लिए बोर्ड मौजूद हैं, इसके साथ साथ इधर एसी के कनेक्शन पहले से दिए हैं, और ये फोर सीलिंग का आप बहुत ही दिखाई दे खूबसूरत फोर सीलिंग के लिए है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ किचन। अब आगे की कहानी यहाँ से मैं डायरेक्ट करूँगा, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अपने टीवी लाउंज के अंदर। जैसे ही आप टीवी लाउंज के अंदर आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपीलिंग लगती है वो इसकी फोर सीलिंग है, और फोर सीलिंग के साथ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पे अगर आप इसको डाइनिंग एरिया भी बनाना चाहें तो डाइनिंग एरिया बनाने के लिए यहाँ पर हाथ धोने के लिए बेसन दिया गया है। मेरे बैक साइड के ऊपर आप एलसीडी बॉल देख सकते हैं, और यहाँ पर जो इसका पार्टीशन है वो अभी मौजूद नहीं है। अगर कोई बंदा यहाँ पर आता है वो अपनी फिजिबिलिटी के लिहाज से यहाँ पर अगर इसको पार्टीशन देना चाहे तो किसी भी तरीके से पार्टीशन दे सकता है। मेरी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत किचन तैयार किया गया है। किचन के टॉप के ऊपर यहाँ पे गैलेक्सी मार्बल टॉप लगाया गया है जो कि ग्रेनाइट के अंदर है, और एक्रेलिक का किचन बनाया गया है टू टोन के अंदर जो कि बहुत खूबसूरत है। ऊपर फोर सीलिंग नज़र नहीं आती, लेकिन फोर सीलिंग को हटाकर इन्होंने यहाँ पर खूबसूरत बनाने के लिए इस पर शेड लाइट दी गई है, और नीचे भी यहाँ पर अगर आप कोई कटिंग वगैरह में काम कर रहे हैं तो लाइट के लिए यहाँ पे शेड लाइट दी गई है, जिसका काम दोनों साइड पे है, खूबसूरती का भी है और खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पे आप कटिंग वगैरह के लिहाज से जो है वो रोशनी भी आप दे सकते हैं। अब मेरी बैक साइड के ऊपर जो है वो 3 बेडरूम है, और अब मैं दोबारा समय को बोलूँगा कि बेडरूम की कहानी आपको सुनाऊँ। तो आइए, ये हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम है। ये जहाँ जैसे ही आप मास्टर बेडरूम में आते हैं तो यहाँ फोर सीलिंग और कंसील्ड अलमारी दी गई है, और कंसील्ड अलमारी के साथ साथ ड्रेसिंग टेबल भी दी गई है। इसका मकसद ये है कि यहाँ पर आपको ना ही अलमारी लाने की ज़रूरत पड़े और ना ही ड्रेसिंग टेबल, जस्ट अपना बेड ला कर रखें और रेडी टू शिफ्ट। और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी गई है, और लेफ्ट हैंड साइड पे अटैच बाथरूम दिया गया है। और अगर हम बाथरूम की बात करते हैं तो अपार्टमेंट के लिहाज से बहुत ही स्पेशियस बाथरूम दिया गया है, और बहुत ही खूबसूरत टाइल लगाए गए हैं इसमें। ये है हमारा सेकंड मास्टर बेडरूम जो कि फेस कर रहा है हमारे कंपाउंड को, और कंपाउंड की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है एज यूजुअल जैसे हमारे पिछले मास्टर बेडरूम के अंदर कंसील अलमारी और कंसील ड्रेसिंग टेबल दी गई थी उसी तरीके से यहाँ दी गई, लेकिन इस बेडरूम की एक एक्स्ट्रा फीचर के अंदर आप आए तो एक्स्ट्रा फीचर में ये है कि इसके अंदर डाउन स्टाइल की जो है ना यहाँ पर फोर सीलिंग दी गई है, ताकि सेंटर में आपका मास्टर बेड जो है वो इजीली आ जाए, और हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पर आपको डेकोरेशन आइटम देने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है। मेरे बैक साइड आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए विंडो जो कि कंपाउंड को फेस कर रही है, और मेरी बैक साइड के ऊपर जो है वो अटैच बाथरूम, मेरे बैक साइड के ऊपर अटैच बाथरूम। अब हमारा तीसरा और आखिरी बेडरूम है जो कि हम लोग कवर करते हैं, और असम भाई साथ करेंगे, आए असम भाई साथ कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसी तरीके से ये हमारी दूसरी एंट्रेंस है इस फ्लैट की। तो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर वॉशिंग एरिया दिया गया है, और ये हमारा सीधा मास्टर बेडरूम में एंट्री लेते हैं। तो ये अभी हमें बताएं इस बेडरूम में क्या बात है। जैसे ही हम बेडरूम के अंदर एंटर होते हैं तो इस बेडरूम की जो फेसिंग है वो कंपाउंड को फेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल जो है वो दी गई, लेकिन कंसील्ड अलमारी हमारे पिछले बेडरूम्स की तरह यहाँ पर दी गई है, और बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं आप के डाउन स्टाइल के अंदर फोर सीलिंग यहाँ पे भी मौजूद है, और मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पर व्हाइट टोन के अंदर अटैच बाथरूम दिया गया है जो कि काफी अच्छा स्पेशल बाथरूम है।
बाहर की साइड पे जो हमारी कंपाउंड को फेस कर रही है वहां पे बिजली का बोर्ड दिया गया है वॉशिंग मशीन के लिए, और वॉशिंग मशीन के साथ साथ वहां पे जो है वो वॉशिंग एरिया भी दिया गया है। तो ये था हमारा एक अच्छा खूबसूरत सा टूर। लेकिन असल जो चीज है वो है इसकी प्राइस। इसकी प्राइस जो ऑनर डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड कर रहे हैं 1,35,00,000 रुपए, जो स्लाइटली नेगोशिएटेबल है। और लीज अपार्टमेंट है ग्राउंड फ्लोर पर 3/DD गुरुस्तान इंदौर ब्लॉक 14। अगर आप लोग इसको घर को विजिट करना चाहते हैं या इसके बारे में मजीद कोई मालूम लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, वीडियो का एंड में भी गिवन है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम लोगों को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।